उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आयोग के उपाध्यक्ष राम नरेश पासवान की अध्यक्षता में एक बैठक का आयोजन सर्किट हाउस के सभागार में किया गया। बैठक में एडीएम सिटी राकेश कुमार श्रीवास्तव, एसपी क्राइम डॉक्टर एमपी सिंह, जिला सूचना अधिकारी प्रशांत श्रीवास्तव सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में आयोग के उपाध्यक्ष ने कहा कि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लोगों को न्याय दिलाने के लिए प्रदेश सरकार कटिबद्ध है। उन्होंने कहा कि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लोगों के विकास एवं जन कल्याणकारी योजनाओं के लाभ को समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए शासन एवं प्रशासन मिलकर कार्य कर रहे हैं, जिससे उनका विकास हो रहा है। बैठक के दौरान आयोग के उपाध्यक्ष ने निर्देश दिया कि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के मामलों में नियमानुसार कार्रवाई किया जाए, जिससे कि उनको समय से न्याय मिले। उन्होंने कहा कि आयोग में कार्रवाई में लगने वाले समय को कम करने के लिए आयोग के अध्यक्ष एवं दो उपाध्यक्ष विभिन्न जनपदों में प्रवास करके अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लोगों की समस्याओं और उनकी शिकायतों पर कार्रवाई की समीक्षा कर रहे हैं, जिससे लोगों की जल्द से जल्द मदद की जा सके। उन्होंने पुलिस अधीक्षक अपराध को निर्देश दिया कि SC/ST के दर्ज मामलों में सही से कार्रवाई हो, किसी गलत शिकायत पर निर्दोष व्यक्ति का उत्पीड़न ना होने पाए। उन्होंने कहा कि सफाई कर्मचारियों के द्वारा हर गांवों में सफाई सुनिश्चित कराई जाए और नालियों को कवर से ढका जाए और कार्यालय एवं थानों पर आने वाले लोगों के लिए पीने की पानी आदि की व्यवस्था भी रहे। बैठक के दौरान अपर जिलाधिकारी नगर एवं पुलिस अधीक्षक अपराध ने जनपद में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए किए जा रहे कार्यों के बारे में उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आयोग के उपाध्यक्ष को विस्तार पूर्वक जानकारी दी। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आयोग के उपाध्यक्ष राम नरेश पासवान ने कहा। हाँ, नेचुरली और दिनों से ज़्यादा अच्छा काम है। काम लोग नहीं मिल पाते हैं, आतंकवादियों को आतंकवाद कर लेता है स्टाफ। आज एक बड़ा जो घटना हुआ तो उसी में चेयरमैन बन के गया था, पूरा कमेटी लेके गया था। जरा डीएम साहब ने बहुत अच्छे आदमी और बड़ा चिंतित थे वो, अलग उनका भी दोस्त ही था, आगे जो सीओ इंस्पेक्टर का था और बहुत चिंतित था। हमारे साथ 11 बजे तक बैठे गलती कुछ लोगों ने किया, फिर प्रॉपर मुकदमा चला लीजिए। तो है भी जो कंपेटिवली साफ सुथरी और अच्छी सर्विस के होते हैं वही सीओ वगैरह यहाँ पे सब कोशिश कर रहा है। आप लोग भी काम करते होते हैं, ध्यान में आया होगा, खड़े अधिकारी होते हैं वो तो नहीं पिघलते, लेकिन अब कुछ है समाज भी तो इंसान है, कभी कभी पिघल जाए तो वो नुकसान हो जाता है समाज। अभी जो संविधान के तहत काम करना है तो संविधान के तहत काम करो, उसे कड़ाई से पालन हो, इसी में न्याय मिल जाए। जब किसी को न्याय देने में हम विलम्ब करें, देखिए पूरे उत्तर प्रदेश में हमारे अध्यक्ष हैं, दो हम लोग उपाध्यक्ष हैं, पूरे जनपद स्तर पर जा रहे हैं। पहले जो क्या होता था कि हम एप्लीकेशन हमारे पास आता था, पीड़ता आता था, उसको रजिस्टर्ड करते थे, नोटिस भेजते थे, फिर तारीख देते थे, कोई अपराधी कोई दोषी अधिकारी उसको बुलाते थे, इसे 6 महीना समय लग जाता था। अब हम लोगों ने निर्णय लिया है कि हर जिला मुख्यालय पर जा कर के जो पीड़िता है उसको सुनेंगे और उसको तुरंत न्याय उसको कैसे मिल सके, राजस्व विभाग से पुलिस से, ज़्यादातर पुलिस और राजस्व का मामला आता है, और जनपद स्तर पर जाकर के अधिकारियों से मिल करके उसकी तुरंत कार्रवाई हो जाए तो उसको न्याय तुरंत मिल जाएगा। यहाँ एक हफ्ता में न्याय मिल जाएगा, हमारे यहाँ 3 महीना 6 महीना लग जाता है। हम जिसको नोटिस दिए बुलाए तारीख लगाए तब तो 3 महीना लग जाता है, फिर एक दो तारीख देते हैं तुरंत तो किसी कुछ करेंगे नहीं, तो समय लगता था। इसलिए हम लोग पूरे प्रयास करते हैं अधिकारियों से मिल करके, प्रशासन के लोगों से मिल करके कि जो SC/ST संबंधी मामला है उसको त्वरित कार्रवाई हो, उसको न्याय तुरंत मिले, उसको प्रदेश में आयोग में जाने की आवश्यकता ना पड़े और वो उसकी उसको तसल्ली हो कि जो ये सरकार चल रही है वो सब हम अनुसूचित जाति जनजाति अनुसूचित वंचित कुचले हुए समाज सबके न्याय मिल रहा है।
इसी तरह मैं आज गोरखपुर आया हूँ और यहाँ से कल जो है महाराजगंज जाऊँगा। इस तरह पूरे पूर्वांचल में कार्यक्रम लगा हुआ है।